वेलकम टू माय चैनल स्पेस साइंस से। पार्ट वन में 20 बेसिक प्रश्नों को देखेंगे और इसको इमेज के माध्यम से समझेंगे। ये स्पेस साइंस से पार्ट वन है और इसका पार्ट टू 500 पूरे लाइक होने पर जल्द ही लाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेस, अंतरिक्ष क्या है? इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, इट इज द एक्सटेंशन दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द अर्थ एंड बिटवीन द कैलेस्टियल बॉडीज। मतलब समझते हैं, कहता है कि वह विस्तार जो पृथ्वी से परे और आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है उसे क्या कहते हैं, स्पेस या अंतरिक्ष कहते हैं। यानी पृथ्वी के बाहर जो आकाशीय पिंडों के बीच की जो स्थान है उसे स्पेस कहते हैं। इसको इमेज के माध्यम से समझते हैं। ये है अर्थ, ठीक, और ये है मून, और इसके बीच में बहुत सारे क्या रिक्त स्थाने हैं। यहाँ पे सेटेलाइट है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो इसी बीच के स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है? इसका आंसर देखते हैं। द इंटायर टाइम एंड स्पेस एंड इट्स कंटेंट्स आर कॉल्ड द यूनिवर्स। यानी संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को ब्रह्मांड कहते हैं। पूरे समय और अंतरिक्ष और उसमें जो वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं से किसका निर्माण हुआ है, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये सूरज है और इसके चारों तरफ बहुत सारे क्या ग्रह है, तारे हैं और सेटेलाइट्स हैं, और इस सभी से किसका निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बात करें इस ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, तो इसका अध्ययन कॉस्मोलॉजी में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लेनेट, ग्रह किसे कहते हैं? इसका आंसर देखते हैं। द मैसिव बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लेनेट्स। यानी सूरज के चक्कर लगाने वाले भारी पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इसको समझते हैं, कहता है कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंडों को, यह है सन, और इसके बाहर जो 8 ग्रह अपनी कक्षा में क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो जो सूरज का चक्कर लगाएगा उसको क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेटेलाइट, उपग्रह किससे कहते हैं? इसका आंसर देखते हैं। द हेवी बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट्स आर कॉल्ड सेटेलाइट। कहता है कि ग्रहों के चक्कर लगाने वाले भारी पिंडों को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जो ग्रह का चक्कर लगाएगा उसको कहेंगे उपग्रह। जैसे ये है पृथ्वी, और इस पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारे पिंड हैं जो अपनी कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। तो जो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा या ग्रह का चक्कर लगाएगा उससे क्या कहेंगे, सेटेलाइट कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लैक होल, ब्लैक होल कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र क्या है? इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, ए स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्पेस टाइम फ्रॉम विच नथिंग इंक्लूडिंग लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज सफिशियंट एनर्जी टू एस्केप इट, इवेंचुअली दे गो डाउन ए होल, दिस होल इज कॉल्ड ब्लैक होल, कृष्ण होल। इसको समझते हैं। कहता है कि अंतरिक्ष समय का एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जहाँ से प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगे सहित किसी भी चीज़ में इससे बचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है, अंतः वे एक छिद्र में चले जाते हैं। इसी छिद्र को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल या कृष्ण विवर कहते हैं। इसको इमेज के माध्यम से समझते हैं। कहता है कि वह क्षेत्र एक मजबूत ग्रेविटेशनल वाला क्षेत्र है जहाँ पे प्रकाश से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा सकती है, पर यहाँ से वापस लौटने के लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं होती, अंतः वह इस होल में या छिद्र में चले जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक होल या कृष्ण विवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम,
सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द सन। सौरमंडल में 8 ग्रह का सूरज से सही क्रम है। इसका आंसर देखते हैं। सूरज से सही क्रम के बात करें तो पहला है मरकरी, दूसरा वेनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स है, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनस और आठवां जो है नेपच्यून है। पहला हो जाएगा बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण है। इस तरह से सूरज से इसका क्रम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, मतलब सूरज से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है मरकरी, बुध। इसको इमेज के माध्यम से देखते हैं, ये है सन और ये है सूरज, ये है सूरज और इसके नज़दीक में जो है मरकरी, या सूरज के सबसे नज़दीक का क्लोजेस्ट प्लेनेट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फार्देस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, सूरज से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है नेपच्यून, वरुण। वरुण जो है सूरज से सबसे दूर ग्रह है। यहाँ पे देखे थे मरकरी जो था वो सबसे नज़दीक ग्रह था और वरुण जो है नेपच्यून ये सूरज से सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है मरकरी, बुध जो है वह सबसे छोटा ग्रह है। इसे यहाँ पे देखते हैं, इसके आकार से ये जो है मरकरी यह सबसे छोटा ग्रह है। कहता है कि मरकरी द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी जो मरकरी है वह सोलर सिस्टम में सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द बिगेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है जुपिटर, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, द अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट बिकॉज अबाउट 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, ड्यू टू विच इट अपीयर्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब समझते हैं। कहता है कि पृथ्वी को एक नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, जिसके कारण बाहर से देखने पर नीला दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाई इज मार्स कॉल्ड द रेड प्लेनेट, मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका आंसर देखते हैं। व्हेन आयरन रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स द आयरन टर्न्स इनटू फेरिक ऑक्साइड, बीइंग रेड इट स्कैटर्स एंड रिफ्लेक्ट्स रेड लाइट। इसका मतलब समझते हैं। कहता है मंगल ग्रह की सतह पर जब लोहा में जंग लग जाता है तो लोहा फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, यह लाल होने के कारण लाल रंग के प्रकाश को बिखेरती और परावर्तित करती है। इसको यहाँ पे समझते हैं। मंगल ग्रह की सतह पे ना लोहा अधिक मात्रा में मिलते हैं और ये लोहा जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 का निर्माण कर लेते हैं और यह मुख्य रूप से लाल भूरे रंग का होता है और जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो यह लाल रंग को क्या करती है, बिखेरती और परावर्तित करती है, जिसके कारण मंगल जो है लाल रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाई डज द कलर ऑफ द स्काई अपीयर ब्लू, पता है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? पहले देखे थे पृथ्वी का रंग जो है वह नीला क्यों दिखाई देता है, तो पृथ्वी के सतह पर अधिक 2/3 भाग पे 71% भाग पे क्या पानी है, इस कारण से वह नीला दिखाई देता है। अब आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसका आंसर देखते हैं। कहता है डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर्स ब्लू लाइट ड्यू टू विच द स्काई अपीयर्स ब्लू। इसको समझते हैं, वायुमंडल में धूल कण
नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम स्पेस? अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा होता है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी, और पृथ्वी से परे यहाँ पे मान लेते हैं स्पेस है, और इस स्पेस से आकाश को देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा? तो ये जो है ब्लैक रंग का दिखाई देगा, यानी काला दिखाई देगा। यही स्पेस अगर पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो ये हमको नीला दिखाई देगा, जबकि आकाश को देखते हैं तब काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डू स्टार सीम टू ट्विंकल इन द स्काई? आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? इसका आंसर देखते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है आसमान में तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं है, सूरज भी एक तारा है, ये टिमटिमाता नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी के नज़दीक है और इसका प्रकाश जो अधिक आता है, जबकि दूर स्थित तारे का प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से वे दिन में दिखाई नहीं देते हैं, जबकि रात में वे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। इसका एक कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द डिस्कवरर ऑफ द सोलर सिस्टम? सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर है निकोलस कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु गेव द लॉ ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स? ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? इसका सही आंसर देखेंगे, योहानेस केपलर। योहानेस केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन कॉल्ड? सूरज के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है कोरोना। किरीट या कोरोना जो है वह सूरज की सबसे बाहरी परत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सन आर, यानी सूरज के संगठक है, सूरज किससे बना हुआ? तो सूरज जो है मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ। बात करें हाइड्रोजन की तो इसमें लगभग 74% है, हीलियम गैस की प्रतिशत की बात करें तो ये 24% है, और अदर गैस जो है 2% है। इस तरह से सन का निर्माण हुआ है। ये पार्ट वन है, स्पेस साइंस से पार्ट टू भी लाएंगे 500 लाइक पूरे होने पर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और इसको शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें।